सभी दीदियों को प्रणाम। जब मैं हजारों दीदियों का एक साथ आशीर्वाद पाता हूं तो मुझे भी नई प्रेरणा, नई ऊर्जा मिलती है। और मैं जब दीदियों की कहानियां सुनता हूं, उनके जीवन और अभी के बदलते जीवन की कहानी सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि हर दीदी के जीवन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप परिवर्तन लाने वाले हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं हर दीदी को लखपति दीदी बनाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और आपने अभी सुनीता जी की कहानी सुनी, सुनीता जी नमकीन बनाती है, मैंने भी उनके नमकीन अभी खाए। एक छोटा सा काम शुरू करके सुनीता जी ने 10 से 15 हजार रुपया पर महीने कमाने का काम शुरू किया। मोना कंवर जी 10 साल तक घर से नहीं निकली होगी, मुझे पता है 10 साल तक घर वाले निकल, राजपूतों में तो निकलने नहीं देते घर से, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मैं अभी केसाय पाटन में दीदियों से मिल रहा था तो ऐसे एक दीदी मिली जो राजपूत ड्रेस बनाती थी, सोनकर की थी, और वह घर का पूरा खर्चा चलाती थी। आज उस दीदी का टेलीफोन आया, मैंने दीदी को एक सिलाई मशीन भिजवाई। मैंने दीदी को कहा, मैंने कहा कि पूरा गांव ही चले अब आत्मनिर्भर कर दूंगी। मोना कंवर जी ने राजपूत ड्रेस बनाई, कुछ बेची और आत्मनिर्भर हुई। संजू राव की आपने सुनी कहानी, कैसे आटा चक्की लगाई, आटा चक्की से फिर गाड़ी भी खरीदी, प्लॉट भी खरीद लिया उन्होंने तो। और सुरेश भाई ने उजाला डेली से, अब ये दीदियां झूठ तो नहीं बोलती है ना, सही बोलती है ना। पहले राजविका के मिशन के पहले यही दीदियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर से बाहर उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी आर्थिक आबंदी खड़ी कर लूंगी, घर का रोजगार करके घर चला लूंगी। और ये दीदियां यही काम नहीं करती, राजस्थान और देश के अलग अलग राज्यों में जाकर और दीदियों को ट्रेनिंग देकर उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम भी करती है। मैं आपके बीच में आता हूं तो मुझे लगता है कि अब यह अमृत काल का समय आ गया है। भगवान ने आपसे मुझे मिलाया और आशीर्वाद मिला है। अगर मुझे 5 साल पहले मिला देते ना तो 5 साल की सब दीदियां भी कहती कि हम सब लखपति दीदियां बन गई हैं। लेकिन जब प्रभु की इच्छा हुई, आप निश्चित रहें, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमारी दीदियां ड्रोन उड़ा रही है और ड्रोन से आने वाले समय के अंदर 10 से 15 हजार रुपए कमाएंगे। यही दीदियां आने वाले समय के अंदर जो पूरे इटावा अयाना क्षेत्र की है, हर दीदी को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, आर्थिक रूप से खड़ा करेंगे, हर दीदी को कैसे काम करना है, क्या काम करना है। ये पूरा इलाका एग्रीकल्चर बेस इलाका है। आने वाले समय के अंदर हम छोटा छोटा काम कर बड़े काम को करने का लक्ष्य बनाएंगे। और मेरा विश्वास है एक दिन इन दीदियों की ताकत के बल पे इस इटावा के अंदर नई आर्थिक समृद्धि और खुशहाली आएगी। अब मेरी कोई दीदी मजदूरी करने नहीं जाएगी, नरेगा के अंदर गड्ढे
खोदने नहीं जाएगी, घर पर बैठकर घर पे काम करके 10 से 15 हजार रुपया कमाने का काम हम घर पर करने का काम बनाने का हमारा लक्ष्य है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे बनाओगे, ये भी सवाल दे दूं। जैसे आपने कहा ये आटा चक्की, मैं पिछली बार गया तो कोई दीदी साड़ी की दुकान लगाती, कोई आटा चक्की लगाती, कोई चप्पल बनाती, कोई अगरबत्ती बनाती, कोई साबुन बनाती, कोई ड्रेस सीती है, कोई पापड़ बनाती है, कोई मुंगड़ी बनाती है, कोई नमकीन बनाती है, कोई चिप्स बनाती है। मुझे पहले विश्वास नहीं होता था कि दीदियां इतना काम कर सकती है, लेकिन मैं जब सब राजीविका मिशन की महिलाओं से मिला, कुछ ने डेयरी का काम शुरू किया है, 5 लीटर दूध आता था 5 लीटर, और उसी डेयरी में 100 लीटर दूध आने लग गया, किसी दिन 300 लीटर दूध आएगा, और हर दीदी अपने गांव के अंदर पशुपालक बनकर 15 से 20 हजार रुपए कमाएंगे। 1,60,000 रुपया हम उनको किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिलाएंगे, 4 जानवर खरीदेगी, 15 से 20-25 किलो दूध आएगी, उजाला डेयरी में देगी और पेमेंट उठाएगी। हम सारे गांव के अंदर, पहले हर ग्राम संगठन के अंदर एक एक चक्की निःशुल्क देंगे, चक्की देंगे मसाला चक्की, और दीदियां मसाला का कच्चा माल को मसाला बनाएगी, और मसाला बनाने के बाद देश की बड़ी कंपनियां वहां से ही खरीदेगी, और केवल आपको तो बनाना है, बेचने का काम दूसरा करेगा, क्योंकि दीदियां सामान तो बना ले, बेचे कौन, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने कहा सामान बनाओ, बड़ी कंपनी वालों से कहा तुम खरीदोगे तो हमारी दीदियों से खरीदोगे, आखिर आपने लोकसभा स्पीकर बनाया तो ताकत तो है सही नहीं हमारी, तो वो मसाला खरीदेंगे। ऐसे हमारी दीदियां गांव में अचार बनाएगी, ड्रम में भरेगी, पैकिंग का काम, बेचने का काम और करेगी। हमारी दीदियां आने वाले समय के अंदर हर पंचायत पे साड़ी की दुकान खोलेगी। मैंने सूरत की 3 बड़ी साड़ी बनाने वाले मालिकों को मैंने दिल्ली में बुलाया, मैंने कहा कितने में साड़ी बेचते हो कोटा में, उन्हें कहा 100 रुपए में, मैंने कहा तुम्हें हमें दीदियों को 90 रुपए में देनी पड़ेगी, 90 रुपए में आपके गांव में साड़ी आएगी, कोटा के अंदर इटावा के अंदर उस साड़ी को बेचेगा 150 रुपए में, गांव में हमारी दीदियां बेचेगी 130 रुपए में, तो गांव में लेगा इटावा में लेगा, क्योंकि 10 रुपए तो मालिक सस्ता दे रहा है, और फिर उस मालिक को पैसा कब देना है, जब बिक जाए, जब बैंक ट्रांसफर पैसा करना है, ऐसे साड़ी की दुकान खोल लेंगे, तो एक एक साड़ी की दुकान होगी। मैंने कोटा में कोचिंग वालों से कहा है कि अब कोचिंग वालों अब बड़े सेटों से ड्रेस खरीदना बंद कर दो, कच्चा कपड़ा तुम दोगे, ड्रेस बनाकर वह देगी, खरीदने का काम तुम करोगे, 8 से 10 हजार महिलाएं कमाने का काम करेंगी, सिलाई मशीन देने का काम मैं करूंगा। और गांव में ये चला गया, अगरबत्ती, चप्पल, मुंगड़ी, पापड़, चिप्स, ये सारे 40 आइटम देश के बड़े बड़े माल वाले खरीदेंगे और बेचने का काम वो करेंगे। और इस तरीके से हम पूरे गांव के अंदर धीरे 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 हर महिला को आर्थिक रूप से मजबूत करते चले जाएंगे। ड्रोन दीदियां बनेगी, कई दीदियों को आने वाले समय के अंदर मुद्रा बैंक से लोन दिलाएंगे, आने वाले समय के अंदर विश्वकर्मा योजना से आपको 1 लाख का लोन मिलेगा,
कोई ब्यूटी पार्लर खोलना चाहेगी तो 15,000 का सामान निशुल्क मिलेगा, 500 रुपए ट्रेनिंग मिलेगी और 1,00,000 से ब्यूटी पार्लर या चप्पल बनाना, हुनर बनाना, बर्तन बनाना, जो भी काम कर सकेगी वो सारा काम करेगी। हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर हर दीदी को आत्मनिर्भर बना दें। आपका हुनर, आपकी कड़ी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी संवेदना दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। मैं उन महिलाओं को जानता हूं, मेरे भी 2 बेटियां हैं। शादी होने के बाद बेटियां अपने मां बाप को भी संभालती है और जहां शादी हुई उस परिवार को संभालती है। ऐसा कोई दुनिया में नहीं जो 2-2 परिवार को संभालती। मैंने दीदियों को देखा है, 1 महीने का बच्चा पैदा होने के बाद साड़ी पेट पे बांधकर बच्चे को छोड़ मैदान में और मजदूरी करती है, क्योंकि शाम को रोटी का इंतजाम वो दीदी करती है। मुझे याद है कि मैं जब यह ओलावृष्टि हुई थी तो ओलावृष्टि के गांव के टूर कर रहा था, तो ऐसे खेत से भागती हुई एक महिला मेरे पास आई। महिला ने की कि मां का तो सारा अनाज गेहूं ही खत्म हो गयो, कपड़े पे तो टाके लगा लेंगे, सी लेंगे, पर पेट पे टाका कैसे लगाएंगे। मैंने उसी दिन कोटा गया, सब मंडी के सेठों को बुलाया, बड़े सेठों को बुलाया। मैंने कहा हमारी महिलाएं भूखी नहीं रहनी चाहिए, अन्न का जितना भंडार हो सबको निःशुल्क अन्न दो। हर गांव के अंदर अन्न पहुंचाने का काम किया और आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है आने वाले समय के अंदर हर व्यक्ति का पक्का मकान होगा, घर पे नल जल पानी, घर पे नल आएगा, लाइट लगेगी, गैस कनेक्शन लगेगा और मुद्रा बैंक विश्वकर्मा योजना के तहत लोन मिलेगा। ऐसे हम आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाने का काम करें। हमारे प्रधानमंत्री कभी नगद बांटकर वोट नहीं लेते। आज दुनिया के अंदर भारत की ताकत बढ़ी है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण बढ़ी है। आज दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यह हमको गांव गांव के अंदर आत्मसम्मान होता है। आज हर गांव के अंदर लोग आत्मविश्वास के साथ जीते। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, बरसों तक लोग इंतजार कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राम मंदिर अयोध्या की धरती पर बनेगा और अयोध्या की धरती पर राम मंदिर बना। जब अयोध्या की धरती पर राम मंदिर बना तो मैं शाम को एक कच्ची बस्ती में गया, मैंने सबसे गरीब बस्ती में जाऊं तो मैं कच्ची बस्ती में तो वहां मैं गया था दिया जलाने, तो वहां पहले से दिए जल रहे थे। तो मुझे ऐसे एक महिला ने कहा, मैंने कहा क्या करती हो, उन्हें की मांग के खाती हूं, मेरे पास जितना तेल था ना उसके मैंने दिए जला दिए। आप देखो कितना बड़ा विश्वास भरोसा है लोगों, जितना उसके पास तेल था खाना बनाने का उतना उसने दिया जला दी और 2 जला दिए कि भगवान राम अब हमारे घर पे आए हैं। यह है हमारी ताकत और इसीलिए यह समय बदलता भारत का है। कोई ने कभी चिंता नहीं की 75 साल में दीदियों की। मोदी जी ने कहा कि ड्रोन भी चलाएगी, रेल भी चलाएगी, ट्रेन भी चलाएगी, हवाई जहाज भी चलाएगी, पुलिस में भर्ती होगी। ये महिला कांस्टेबल खड़ी है आपके सामने, यहां भी खड़ी है, सीमा पर भी खड़ी है। दुनिया में प्लेन चलाने वाली महिलाएं सबसे ज्यादा है। हमारी दीदियां पंच भी है तो हमारी दीदियां महामहिम राष्ट्रपति भी है। ये ताकत भारत की है, इसलिए दीदियों की ताकत कमजोर मत समझो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल के अंदर हम और आप मिलकर सामूहिकता के साथ मिलकर एक बेहतर जिंदगी कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मिलकर काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम सब
हमारी जीतियां को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेंगे, विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री का सपना है। और इसलिए मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है दीदियों का, हाथ खड़ा करो जो सबका आशीर्वाद हो। तो इतनी बड़ी दीदियों का आशीर्वाद मिल जाए तो वो भाई कितना बड़ा ताकतवर हो सकता है बताइए आप। आप सब दीदियों का आशीर्वाद मेरी ताकत है, मुझे कार्य करने की नई प्रेरणा देता है, रोज नहीं करता है कि कैसे दीदियों की जिंदगी को पलटें। और आप विश्वास करो, आपकी हर पीड़ा, आपका हर दर्द मेरा अपना दर्द है, अपनी पीड़ा है। समय लग जाता है कुछ चीजों में, बात सही है। मैं नहीं कहता कि एक महीने में, दो महीने में हो जाएगा, लेकिन योजना बनाएंगे तो एक दिन परिवर्तन जरूर करेंगे। अगर दिमाग में बात ही नहीं होगी तो परिवर्तन क्या करेंगे। और इसीलिए आप सब दीदियों का आशीर्वाद बना रहे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना आशीर्वाद दोगे तो नाच खड़े करो। सब दीदियां मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का आशीर्वाद दो, देश बदल जाएगा आप निश्चित मानो आने वाले समय के अंदर। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा, मैं जब गांव में जाता हूं ना तो मुझे दीदियां पकड़ लेती है, कहीं भी जाता हूं, दार्जिलिंग में गया, हरिद्वार में गया, अयोध्या में गया, दीदी पकड़ ली, कहती है मांगा मोदी जी को ध्यान राखजो। क्या कहती थी? मांगा मोदी जी को ध्यान राखजो। मैंने कि मुझे तो ताको ही छू, मांगा मोदी जी ध्यान है, वो जानते हैं मैं लोकसभा स्पीकर हूं, बैठता हूं तो मोदी जी का ध्यान रखना। और आपका आशीर्वाद है, आपने स्नेह दिया जो मैं बैठा हूं वह भी आपका आशीर्वाद है। इसलिए आप सब गांव गांव में निकल जाना दीदी आज यहां के बाने के बाद, और हर घर में जाना और सेना कब की बार काई में सुनो, मोदी जी प्रधानमंत्री बनो चाहे कोई की बात मत सुनो अब की बार। और जब दीदियां प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, पुरुष कटी भी वोट दे दे, दीदियां तो मोदी जी वोट दे उसे। और ये आज तक होता है। तो आप सब अपने अपने गांव में पांच पांच दस दस के जत्थे में निकल जाना, और हर महिला को कहना कि पुरुष अपनों काम करेगा, मां तो सब दीदी जी मोदी जी का साथ चाह और मोदी जी प्रधानमंत्री बनाऊंगा। बनाओगे नहीं बनाओगे? जोरदार ताली बजा दो मोदी जी के लिए। भारत माता की जय सियाराम।